सऊदी अरब के सुल्तान सलमान ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब पिता के बाद प्रिंस सलमान ही सऊदी की राजगद्दी पर बैठेंगे। बता दें कि प्रिंस सलमान को प्रिंस बनाने की तैयारी पहले से ही चल रही थी। क्राउन प्रिंस रहे 57 साल के नाइफ से धीरे धीरे सारी शक्तियां छीनी जा रही थी। सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी एक शाही फरमान के मुताबिक प्रिंस सलमान पहले से ही सऊदी के उप प्रधानमंत्री हैं, साथ ही वह सऊदी के रक्षा मंत्री भी हैं। जब से किंग सलमान को गद्दी मिली तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नाइफ को दरकिनार कर उन्हें वारिस घोषित किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले प्रिंस सलमान ने अप्रैल 2015 में नाइफ को क्राउन प्रिंस बनाया था। किंग सलमान भी पिछले काफी समय से नाइफ को कमजोर कर प्रिंस को मजबूत करने की कोशिश करते दिख रहे थे। कुछ लोगों ने प्रिंस सलमान को पसंद और कुछ ने नापसंद। सऊदी के युवा वर्ग में सलमान को काफी पसंद किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि युवा सुल्तान उनकी और देश की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकेंगे। दूसरी ओर उन्हें नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं है। लोगों को लगता है कि सलमान ताकत के भूखे हैं और इतने सारे बदलाव कर सऊदी को अस्थिरता के जोखिम की ओर ले जा रहे हैं।